अंकल सिंह नियाल एंड वी आर गोइंग टू शिवाजी द बॉस पैदल पैदल कैमरा छोड़ के भाग गया और यहाँ पर जुदा था तो अभी हम वापस जा रहे हैं। हम लोग मंदिर को जा रहे हैं, बोला था कि मैं एक प्लेस, तो फिर मैं सडनली मेरा भाई जहाँ पर मुझे रोड में और अभी भी भाग गया है गाड़ी उठाने के लिए। हेलो दिस इज अंकल सिंह नियाल एंड वी आर गोइंग टू दी टेक ऑफ ड्यूरी राना, ठीक है। एंड दिस इज शिवाजी सिंह नियाल माठू माठू हम हिटते हुए ड्योली राना के ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं तो बाइक से पहुंच गया हूँ शिवाजी द बॉस पैदल पैदल आते हुए थक गए, काफ़ी थकते हुए, चेहरे पे एक स्माइल है और अभी इनको बहुत थकाई और लगने वाली है। तो गाइज मेरा भाई मुझे कैमरा देके भाग गया, बोलता मैं थक गया हूँ तो आप तो बना ले करके वो आगे निकल गया है, ये पत्थर के पीछे पे है, अब थोड़ा आप आगे जाओगे तो फिर देखिएगा। और मंदिर जाने से पहले मैं आपको एक व्यू दिखाना चाहता हूँ। पहली बार, पहले अल्मोड़ा में तो मैं बहुत बार आया हूँ लेकिन पहली बार मैंने यहाँ का ये प्लेस पहली बार देखा और मुझे एक्चुअली तो पता नहीं है, बट मैं भाई गूगल मैप आपको बता दूँगा गूगल मैप के थ्रू ये जगह पर कहाँ पर है और कितना ऊपर पर मंदिर है, तो फिर मंदिर में जाके फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में और यार आ मेरा भाई बुढ़ा इंसान तो कैमरा छोड़ के भाग गया और यहाँ पर भी जुदा था और ये मंदिर का एंट्रेंस है, बहुत थक चुके, ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी लेकिन 4 साल के बाद आना हुआ पहाड़ों पर तो थोड़ा जल्दी थक जाता, बल्कि ये मेरे से जल्दी चला जाता। और ये यहाँ पर पैर धोने का है तो देखते हैं अंदर जाके मंदिर में फिर आपको दिखाते हैं। हट जा आगे से जाओ। दोस्तों हम यहाँ आ चुके हैं मंदिर में और ये मंदिर का नाम है श्री दुर्गा सिद्धिपीठ जो मंदिर है, और अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको गूगल मैप में इसका लोकेशन दे दूँगा, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और इसके अगल बगल आप देखिए यहाँ पर कितने अच्छे फूल हैं और पूरी साफ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पर आप देखोगे तो। और हमारे जस्ट मंदिर के पीछे पे यहाँ पर योगी पूर्णानाथ पूर्णानंद महाराज जी का आश्रम है और ये मेरा भाई लेजी इंसान ये बैठा हुआ है यहाँ पे, तो मैं भी पहली बार ही आया यहाँ पे, हम लोग ने भी पहली बार ही देखा तो हम लोग थोड़ा पूजा कर लेते हैं अंदर पे, फिर तो उसके बाद मैं आपको और जो आसपास का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर से बहुत अच्छा अच्छा व्यू दिखता है, आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग देखिए और मज़ा लीजिए। तो दोस्तों अभी मंदिर से जाते हुए तो अभी हम वापस जा रहे हैं, आने का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे भाई ने मुझे बताया नहीं था कि हम लोग मंदिर को जा रहे हैं, बोला था कि मैं एक प्लेस में लेके जाऊंगा मुझे अच्छा लगेगा, तो जहां तक है कि पहाड़ तो मुझे अच्छे लगते ही हैं, तो फिर मैं सडनली मेरा भाई जहां पर मुझे रोड में छोड़ के ऊपर पर पैदल, मतलब मुझे पैदल आने को बोला और अपना तो गाड़ी लेके आ गया और अभी भी भाग गया है गाड़ी उठाने के लिए, कहीं मैं ना पकड़ लूँ करके गाड़ी। तो यहाँ से कम अगर पैदल जाएँ तो आपको मेन रोड में जाने तक अगर पैदल जाओगे आने के लिए आपको लगेगा कम से कम 20-25 मिनट और जाने के टाइम में शायद थोड़ा कम लगे 15-20 मिनट। तो लेकिन ये प्लेस बहुत साइलेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ ये देखिए इतना अच्छा व्यू आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आई थिंक मुश्किल है। इतना साइलेंट प्लेस और आप जा रहे हो कहीं शहर पे तो कैसा लगेगा आपको, कितना मज़ा आएगा। हवा भी चल रही है इस तरफ से
जो कि यहाँ की तरफ से खाई है, तो उस तरफ से हवा चल रही है। पहाड़ों का दोस्तों ये मतलब एक तरफ से बोला जाए कि मज़ा है और आनंद जिसे बोलते हैं, कि यहाँ पर जो रहते हैं उनके लिए हवाएं बहुत अच्छी हैं, आपको फ्रेश हवा मिलेगी, अच्छा नज़ारा मिलेगा। और भी प्लेस थे लेकिन मैंने ऑलरेडी देखे थे, तो मैंने सोचा कि पहले कुछ नया प्लेस में जाया जाए। और यूट्यूब में शायद आपको ये जो मिलेगी भी नहीं, ये मंदिर भी नहीं मिलेगा और ये प्लेस भी नहीं मिलेगा, अभी तक किसी ने डाला नहीं। जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर मतलब पॉपुलेशन है, जहाँ पर पब्लिक जाती है, तो लोग वहीं का वीडियो डालते हैं। तो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा हिंदी में बोले तो सौभाग्य मिला, और अपॉर्चुनिटी है जो कि एक मंदिर को मैं पहली बार देखा, जहाँ मैं अल्मोड़ा में इतने साल आया था और कभी देखा नहीं। और जब आप रास्ते से आओगे और जाओगे, तब आप पत्थरों में एक चीज़ लिखी हुई मिलेगी जो कि बहुत अच्छी है, और आप भी देखिए, जो कि है माँ। क्योंकि ये माता का मंदिर है, तो यहाँ पर आपको जितने भी चीज़ें हैं सब, यहाँ पर जितने पत्थर हैं, मुझे जितने पत्थर दिखे थे ऊपर, उनमें भी माँ लिखा हुआ था, क्योंकि माँ का निवास है तो माँ का ही नाम होगा हर जगह पे। और मेरा भाई तो चला गया और मैं अकेला जा रहा हूँ। गाइस वैसे सुनसान तो है, थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, देखते हैं क्या होता है। और मैं आपको रास्ता भी दिखाता हूँ थोड़ा, कैसा रास्ता है इसका। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं वहाँ से, अभी थोड़ा और बचा हुआ है। मेरा भाई आधे रास्ते पर रुक गया था, अभी यहाँ से दोबारा मुझे लेके चल रहा है नीचे डेंजर वाले प्लेस में। अब मुझे लगता है मुझे उतर जाना चाहिए, उतर जाना चाहिए, आगे उतर नहीं उतरना चाहिए। तो देखते हैं आगे रास्ता, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए डेंजर रास्ता। ये आपको लग रहा होगा घास फूस है, लेकिन ये घास बहुत फिसलता है, इस पर टायर बहुत फिसलते हैं, खासकर ये हरी रहती तो ज़्यादा फिसलते हैं। फिलहाल अभी ये सूख चुकी है और हम इसी रास्ते से आए थे, फिलहाल अभी कच्ची है, पक्की नहीं हुई है। और इस साइड एक दूसरी रोड है, हल्द्वानी वाली रोड, जहाँ से आप हल्द्वानी और नैनीताल पर जा सकते हैं। और ये रहा प्लेस, और यही कच्ची रोड, हम दोबारा निकल रहे हैं। ये कौन सा प्लेस हुआ? ये कर्बला, ये कर्बला हुआ, अल्मोड़ा कर्बला साइड।